Hello everyone, welcome to EliteSquid. In this particular video, we will discuss a graph question. ये question मुझे एक student ने ऐसा doubt भेजा था और वो पूछ रहा था कि अगर इस type के question हमें solve करने हैं तो क्या हमें graph की बहुत ज़्यादा knowledge होनी चाहिए. पहले तो एक चीज़ आप समझो कि you are not preparing for a mathematical examination. बेसिकली कैट इज़ एन एप्टीट्यूड एग्जामिनेशन. तो आपको क्योंकि कॉमर्स स्टूडेंट भी दे रहे हैं, सिर्फ इंजीनियर ही नहीं है, अलग अलग बैकग्राउंड के स्टूडेंट दे रहे हैं, तो वो इस तरह का क्वेश्चन फ्रेम नहीं करते हैं जहाँ पर तुम्हें प्योर ग्राफ की नॉलेज होनी चाहिए. बेसिक पता हो ग्राफ का कि किस तरह से बेसिक हम लोग डील कर सकते हैं, थोड़े बहुत बेसिक जो ग्राफ है वो आइडिया हो जिससे कि यू कैन फाइंड एरिया ऑफ द ग्राफ. ठीक है, तो जो ग्राफ दे के तुमसे पूछते हैं इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि एक ग्राफ दे देंगे, वहाँ पर चार ऑप्शन दिए होंगे, विच ऑप्शन इज करेक्ट, मतलब कौन सा ग्राफ इस पर्टिकुलर वैल्यू का है. तो इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए वी शुड टेक हेल्प ऑफ ऑप्शंस. बहुत बेसिक से ऑप्शंस और बेसिक थॉट प्रोसेस का यूज होना चाहिए और वी कैन सॉल्व द क्वेश्चंस. ठीक है, जैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं. अगर तुम ये ग्राफ देखो, इस ग्राफ पे तुम कंसंट्रेट करो तो यू कैन सी दैट ये ग्राफ केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में बना हुआ है, केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं है, थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं है, फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं है. और जो ग्राफ बना हुआ है दैट इज फॉर ग्रेटर देन वन वैल्यू ऑफ एक्स. एक्स की वैल्यू वन पे ये नॉट डिफाइंड है, एक्स की वैल्यू वन पे ये नॉट डिफाइंड है. ग्राफ नॉट डिफाइंड है, केवल एक्स इज ग्रेटर देन वन पे ये ग्राफ बना हुआ है. ठीक है, दैट मींस अगर हम लोग लॉग के बारे में जाने, क्योंकि लॉग चीज है यहाँ पे, हम लोगों ने कई वीडियोस में ये डिस्कस किया है कि लॉग ए बी कब डिफाइंड होता है, व्हेन दिस ए शुड बी ग्रेटर देन जीरो, बी शुड बी ग्रेटर देन जीरो एंड ए शुड नॉट बी इक्वल टू वन. ये चीज होनी चाहिए, देन ओनली लॉग विल बी डिफाइंड. लॉग डिफाइंड का मतलब है कि वो डोमेन होगी लॉग की. ठीक है, जैसे यहां पे अगर ग्राफ देखें हम लोग, तो फर्स्ट वाला अगर हम लोग ग्राफ देखें तो देखो क्या है कि जब ग्राफ में एक्स की वैल्यू तुम वन पुट कर रहे हो तो दिस इज नॉट डिफाइंड, तभी तो वहां पे ग्राफ है नहीं ना. ग्राफ सिर्फ एक्स ग्रेटर देन वन पे है. बट व्हेन यू विल पुट एक्स इज इक्वल टू वन हेयर, यू विल गेट इन द फर्स्ट ऑप्शन यू विल गेट log 2 टू. द वैल्यू ऑफ log 2 इज इक्वल टू 1. दैट मीन्स 1 पे तुम्हें ग्राफ की वैल्यू 1 मिलनी चाहिए थी, जो मिल नहीं रही हमें. दैट मीन्स दिस ऑप्शन इज आउट ऑफ पिक्चर, ये ऑप्शन तुम्हारा चला गया. अब तुम्हें पता है कि x इज इक्वल टू 2 पर, अगर तुम x इज इक्वल टू 2 पुट कर रहे हो तो 2 पर तुम्हें ग्राफ की वैल्यू कितनी मिल रही है, 0 मिल रही है. दैट मीन्स व्हेन यू आर पुटिंग x इज इक्वल टू 2 यू शुड गेट y इज इक्वल टू 0, तुम्हें y की वैल्यू 0 मिलनी चाहिए. अब चेक करें हम लोग सेकंड ऑप्शन कि x की वैल्यू 2 पुट करने पे y 0 मिल रहा है, हाँ मिल रहा है, मतलब ये ऑप्शन हमारा आंसर हो सकता है. फिर यहां पर अगर तुम x इज इक्वल टू 2 पुट करो तो तुम्हारी वैल्यू क्या बन रही है, यू आर गेटिंग log 2 0 विच इज नॉट डिफाइंड, मतलब ये भी ऑप्शन मेरा आउट ऑफ पिक्चर हो गया. अब हमने थर्ड ऑप्शन पे पुट किया x इज इक्वल टू 2, तो अगर x इज इक्वल टू 2 पुट करोगे log 0.51 mod, तो log 0.51 हो दैट इज 0, तो मतलब ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो डी भी ऑप्शन हो सकता है. तो फाइट किस किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन और डी ऑप्शन, इन दो ऑप्शंस में तुम्हारी फाइट हो रही है. अब हम लोग देखते हैं कि किस तरह से हम लोग एलिमिनेट कर सकते थे. अब क्योंकि ये जो सेकंड ऑप्शन है बी ऑप्शन पे अगर कंसंट्रेट करो, दैट इज y इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई मॉड एक्स माइनस 4. तुम x की वैल्यू अगर लेट करो 0 पुट कर रहे हो, तुम x की वैल्यू यहां 0 पुट कर रहे हो, तो यू आर गेटिंग y एज 0 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 0 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 2, मतलब x इज इक्वल टू 0 के लिए भी तो डिफाइंड होगा ना. ये केवल डिफाइंड किसके लिए नहीं होगा, x इज इक्वल टू 1 के लिए नॉट डिफाइंड है, बाकी हर वैल्यू के लिए डिफाइंड ही है. तो ग्राफ हर एक पोर्शन में होना चाहिए था, हर एक क्वाड्रेंट में ग्राफ होना चाहिए था, लेकिन नहीं है. दैट मीन दिस ऑप्शन इज ऑल्सो आउट ऑफ पिक्चर, तो तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर विल बी डी पार्ट. तो इस टाइप के क्वेश्चंस कभी भी तुम्हारे सामने आ रहे हैं तो बहुत बेसिक बेसिक सी प्रॉपर्टीज तुम्हें अगर पता है, लॉग की बेसिक डोमेन पता है तुम्हें, तुम्हें पता है कि y इज इक्वल टू, जैसे हम लोगों का अगर हम लोग कहते हैं ना, जैसे y इज इक्वल टू लेट करो एक फॉर्म दी हुई है p बाई क्यू की फॉर्म, तो ये कब डिफाइंड नहीं होगी, व्हेन q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, q की वैल्यू बस 0 ना हो, अदरवाइज इट विल बी डिफाइंड. तो यहाँ पे x शुड नॉट बी इक्वल टू 1, बाकी हर वैल्यू के लिए डिफाइंड होगा, मतलब हर एक पोर्शन में ग्राफ की कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही होगी जो कि नहीं गिवन है. दैट मींस b इज आल्सो आउट ऑफ पिक्चर, तो योर आंसर विल बी डी पार्ट. सी ए भी हम लोगों ने एलिमिनेट कर दिया था, क्योंकि ए भी यहां पर अगर हम लोग देखें ए वाले की, दैट x प्लस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0,
बिकॉज जो लॉग बेस 2x प्लस 1 गिवेन है दिस विल बी डिफाइंड व्हेन दिस x प्लस 1 शुड बी पॉजिटिव दैट मीन्स x शुड बी ग्रेटर देन माइनस 1 x की वैल्यू ग्रेटर देन माइनस 1 में ये डिफाइंड है लेकिन ग्राफ तो सिर्फ ग्रेटर देन 1 में है तो ये भी आउट ऑफ पिक्चर हो गया डायरेक्टली यहां पे ग्राफ जो होना चाहिए x शुड बी ग्रेटर देन 2 में होना चाहिए अगेन नॉट डिफाइंड आ गया तो अगेन हमें पता चल जाएगा कि सी भी ऑप्शन नहीं है ए भी नहीं है बी भी नहीं है और आंसर विल बी डी पार्ट तो बहुत बेसिक बेसिक सी प्रॉपर्टीज अगर पता हो तो यू कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस ठीक है आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो अगर कॉन्सेप्ट समझ आ गया है किस तरह से इस तरह की क्वेश्चन डील करने का आपको बहुत बहुत कोई मैजिकल नॉलेज नहीं होनी चाहिए ग्राफ में इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए या कैट में जो क्वेश्चन आता है या जैट में क्वेश्चन आता है बहुत बेसिक बेसिक सी चीजें अगर पता है स्टिल यू कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन बहुत बेसिक सी चीज कि x इज इक्वल टू 1 पे y कितना है 0 है x इज इक्वल टू 2 पे y कितना है 0 है x इज इक्वल टू 0 पे तो ग्राफ का पार्ट ही नहीं है ये सब चीजें छोटी छोटी सी चीजें अगर तुम्हें पता है यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन वेरी बिग ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप मैथमेटिकल बैकग्राउंड के नहीं हो तो आप ग्राफ के क्वेश्चन से डरो कैलकुलस टाइप ऑफ क्वेश्चन से डरो नहीं उसकी कोई नीड नहीं है वो चीजें वहां पर कैट और जेड सेक्शन में नहीं आती है आपकी बहुत बेसिक से ग्राफ दिए होते हैं और बेसिक बेसिक लॉग एक टॉपिक है आपके में लॉग की नॉलेज आपको होनी चाहिए है ना कि क्या डोमेन है लॉग की किस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं लॉग के क्वेश्चन अगर ये चीजें क्लियर है तो यू कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन ठीक है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक हिट सब्सक्राइब एंड टेल मी कि आपको किस टाइप के और क्वेश्चंस या कॉन्सेप्ट पे वीडियोस चाहिए चलिए थैंक्स एंड हैप्पी लर्निंग